देखो, इस वीडियो में मैं तुमको बताने वाला हूँ कि इंडियन नेवी के तरफ से जो 2024 के लिए रिक्रूटमेंट आई है, जो कि चार्जमैन, फायरमैन, ट्रेडमैन के लिए है, तो तुम अगर इसमें फॉर्म अप्लाई करना चाहते हो तो तुम्हारे लिए इम्पोर्टेंट डेट्स क्या है, एप्लीकेशन फ़ी कितनी है, कितने सीट पर वैकेंसी आई है, इस तरह की सारी चीज़ें मैं तुमको बताने वाला हूँ। आगे मैं तुमको 1 से 2 मिनट के अंदर पर बता देता हूँ कि इस फॉर्म का ओवरव्यू क्या है, यानी कि तुम्हारा इम्पोर्टेंट डेट्स, एप्लीकेशन फ़ी, क्वालिफिकेशन, इस तरह की सारी चीज़ें बता देता हूं। उसके बाद मैं तुमको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि तुम कैसे इस रिक्रूटमेंट के लिए फॉर्म फिलअप कर सकते हो। तो सबसे पहले यहां पर देख लो कि इंडियन नेवी के तरफ से जो ये वैकेंसी आई है, उसके लिए तुम एप्लीकेशन जो है वो 20/7 से अप्लाई कर सकते हो, यानी कि 20/7 से तुम्हारा ये जो फॉर्म है वो भराना स्टार्ट हो चुका है, और लास्ट डेट जो है वो 2/8 है, यानी कि 2/8 तक तुम इस फॉर्म को लास्ट फिल कर सकते हो। उसके बाद मैं अगर तुमको बताऊं एग्जाम डेट, तो ये अभी शेड्यूल के हिसाब से आएगी, इसकी अभी कोई डेट नहीं अनाउंस हुई है। उसके बाद मैं अगर तुमको बताऊं कि एप्लीकेशन फ़ी के बारे में, तो जर्नल, ओबीसी या फिर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से अगर तुम आते हो तो तुम्हारा जो एप्लीकेशन फ़ी होगा वो 295 होगी, और अगर तुम एससी या एसटी कैटेगरी से आते हो तो तुम ये फॉर्म फ्री में फिलअप कर सकते हो। और अगर कोई फीमेल कैंडिडेट इस फॉर्म को फिलअप करना चाह रही है तो वो यहाँ पर इस फॉर्म को फ्री में फिल कर सकती है, यानी कि उसके लिए 1 रुपया उसको पे नहीं करना होगा। आगे अगर मैं तुमसे बात करूं कि इस फॉर्म को फिल करने के लिए तुम्हारी मैक्सिमम एज क्या होनी चाहिए, तो तुम इस पर किसी भी पोस्ट के लिए अगर अप्लाई करते हो तो तुम्हारा जो ये मैक्सिमम एज है वो 30 इयर्स की है, और तुम्हारा जो मिनिमम एज है वो 18 साल की है। अगर तुम्हारा एज 18 से 30 के बीच में है तो तुम इस पर कोई भी फॉर्म को फिल कर सकते हो। तो चलो मैं अब तुमको नेक्स्ट स्लाइड पर बताता हूँ कि ये जो इंडियन नेवी के तरफ से वैकेंसी निकाली गई है, इसमें किस किस पोस्ट के लिए वैकेंसी और सब में टोटल कितनी कितनी सीटें हैं। तो यहाँ पर तुम देख सकते हो कि मल्टीटास्किंग यानी कि एमटीएस स्टाफ के लिए अगर तुम फॉर्म फिल करते हो तो तुम यहाँ पर 16 सीटों के लिए कर सकते हो। इसमें जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो तुम 10th क्लास पास होनी चाहिए, और यहाँ पर तुमको ITI की भी सर्टिफिकेट तुम्हारे पास होनी चाहिए। उसके बाद ये जो फायरमैन है, इसकी जो वैकेंसी है वो टोटल 444 है, और यहाँ पर जो इसका एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो 10+2, यानी कि तुम अगर इंटर पास हो तो तुम इस पर फॉर्म फिलअप कर सकते हो। यहाँ पर ITI नहीं बोला गया है। देन तुम यहाँ पर ट्रेडमैन, या इसके लिए तुम 161 पदों के लिए वैकेंसी है। उसके बाद अगर मैं यहाँ पर आऊँ तो कुक के लिए 9 पदों पर वैकेंसी है। इस तरह की सारी चीज़ें तुमको यहाँ पर दिखाई देगी। चार्जमैन के लिए 10 सीट्स पर वैकेंसी है। तो मैं तुमको इस रिक्रूटमेंट का जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर लगा दूंगा, तुम चाहो तो एक बार ऑफिशियल नोटिफिकेशन को गो थ्रू कर सकते हो। तो चलो नेक्स्ट स्लाइड पर मैं तुमको बताता हूँ कि अगर तुम इस फॉर्म को अपने से फिल करना चाहते हो तो तुम कैसे इस फॉर्म को अपने से फिल कर सकते हो, और अगर तुमको इस फॉर्म को अपने से फिल नहीं करना है तो मैं तुम्हारा ये फॉर्म फिल कर दूंगा। तुमको इसके लिए 99 रुपीज़ का एक मिनिमम अमाउंट पे करना होगा। तुम इसके लिए मुझे टेलीग्राम पर मैसेज कर सकते हो, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर टेलीग्राम लिंक का एक सेक्शन तुमको दिखाई देगा, वहाँ से तुम टेलीग्राम पर रिडायरेक्ट हो जाओगे अगर टेलीग्राम पर मुझे मैसेज करते हो। और अगर तुमको इस फॉर्म को मेरे थ्रू भरवाना है तो तुमको 99 रुपीज़ का एक मिनिमम अमाउंट पे करना होगा, और मैं तुम्हारा ये फॉर्म आसानी से भर दूंगा। और तुम्हारा जो भी डाटा होगा, यानी कि अपना तुम्हारा पर्सनल डिटेल, एजुकेशन डिटेल, इस तरह की चीज़ों को किसी के साथ शेयर नहीं किया जाएगा, इसके लिए तुम टेंशन मत लेना। तुम जैसे किसी साइबर कैफे में जाते हो और वहां पर अपने सारा एजुकेशन डिटेल या फिर जो जो चीजें तुम अपने से देते हो, सेम उसी तरह से यहां पर तुमको देना होगा। तुम्हारा जो भी पर्सनल डिटेल है वो किसी के साथ शेयर नहीं की जाएगी। तो आगे इस फॉर्म को तुमको अगर अपने से फिल करना है तो उसके लिए तुमको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर एक लिंक दिखाई दे रही होगी, उस लिंक पर जैसे तुम क्लिक करोगे तो तुम इस साइट पर रिडायरेक्ट हो जाओगे। ये इंडियन नेवी की ऑफिशियल साइट है, यहाँ से तुम इस रिक्रूटमेंट के लिए फॉर्म फिलअप कर सकते हो। तो अब तुमको यहाँ पर अगर मैं बताऊँ तो यहाँ पर कॉर्नर पर तुमको 2 ऑप्शन दिखाई दे रही होगी, एक लॉगिन का, एक रजिस्टर का। अगर तुम इस पर पहले से लॉगिन हो तो तुम यहाँ पर अपने मोबाइल नंबर और पासवर्ड को डालकर देन कैप्चा को फिल कर लॉगिन कर सकते हो, और अगर तुम इस पर पहली बार आए हो तो तुमको उसके लिए इस पर रजिस्ट्रेशन करना होगा। रजिस्ट्रेशन करने के लिए तुमको रजिस्टर का एक ऑप्शन दिखाई देगा, तुमको इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करते ही इस तरह का पेज ओपन होगा। अब तुमको सबसे पहले अपने ईमेल आईडी को यहाँ इंटर करना है, देन मोबाइल नंबर को एंटर करना है। उसके बाद तुमको यहाँ पर कैप्चा फिल करना है, देन रजिस्टर के ऑप्शन पर क्लिक करना है।
आगे रजिस्टर के ऑप्शन पर क्लिक करते ही तुम्हारे सामने में यहाँ पर एक विंडो ओपन होगा, उसको तुमको ओके करना है। उसके बाद यहाँ पर तुम देख सकते हो कि यू हैव सक्सेसफुली साइंड अप, वी हैव सेंड अ वेरिफिकेशन लिंक टू योर रजिस्टर ईमेल, यानी कि तुम्हारे रजिस्टर ईमेल पर एक वेरिफिकेशन लिंक सेंड की गई है। तुमको उस लिंक पर क्लिक कर आगे वेरिफिकेशन करना होगा। तो चलो मैं यहाँ पर ईमेल अपना ओपन कर लेता हूँ। तो यहाँ पर तुम देख सकते हो कि मेरे ईमेल आईडी पर एक वेरिफिकेशन लिंक सेंड कर दी गई है। अब आपको यहाँ पर एक ऑप्शन दिखाई देगा क्लिक हियर का, तो यहाँ पर क्लिक करना है। तो अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि योर ईमेल आईडी हैज़ बीन सक्सेसफुली वेरीफाइड का एक पॉपअप आ गया है, यानी कि मेरा जो ईमेल आईडी है वो वेरीफाई हो गया है। अब मुझे अपने मोबाइल नंबर को वेरीफाई करवाना होगा, तो उसके लिए यहाँ पर कैप्चा फिल कर जनरेट ओटीपी के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा, देन ओटीपी इंटर करना होगा। तो अब आप यहां पर देख सकते हैं कि मेरे मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी सेंड की गई थी, मैंने ओटीपी इंटर कर दिया। उसके बाद अब आपको यहां पर अपना एक पासवर्ड इंटर करना होगा, यानी कि क्रिएट करना होगा, और उसी पासवर्ड को यहां पर रीटाइप कर दोबारा फिल करना होगा। यहां पर आप ध्यान रखेंगे कि आप जो भी पासवर्ड बनाएंगे उस पर स्पेशल कैरेक्टर, एक अपर केस, एक लोअर केस, एक नंबर, इस तरह की मिक्स कैरेक्टर होनी चाहिए, और आपका जो पासवर्ड का लेंथ होगा वो 8 से 20 कैरेक्टर के बीच की होनी चाहिए। तो यहाँ पर आप उस तरह का एक पासवर्ड बनाएंगे। उसके बाद आपको यहाँ पर एक कैप्चा फिल करना होगा, आपको ऊपर कैप्चा दिखाई दे रही होगी, देन आपको यहाँ पर सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। आगे सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक करते ही आपके सामने में यहाँ पर एक पॉपअप आ जाएगा। अब आपको यहाँ पर ओके कर देना है। ओके करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यू हैव सक्सेसफुली रजिस्टर का एक पॉपअप आ गया है, यानी कि मैं इस पर रजिस्टर हो चुका हूँ। अब आपको यहाँ पर अपना ईमेल आईडी या मोबाइल नंबर, उसके बाद आपने जो अभी पासवर्ड बनाया है उसको इंटर कर देन कैप्चा को फिल कर यहाँ पर लॉगिन कर लेना है। आगे लॉगिन के ऑप्शन पर क्लिक करते ही आपके सामने में कुछ इस तरह का पेज आ जाएगा। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपको अवेलेबल पोस्ट यहाँ पर दिखाई देगी, कि ग्रुप बी में जो भी अवेलेबल पोस्ट होगी वो आपको यहाँ पर दिखाई दे रही होगी, देन ग्रुप सी में जो भी अवेलेबल पोस्ट होगी वो आपको यहाँ पर दिखाई दे रही होगी। अब यहाँ से आप अगर किस पोस्ट के लिए क्या क्वालिफिकेशन है उसे अगर देखना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर एक ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा क्वालिफिकेशन का, आपको इस पर क्लिक करना है। देन यहाँ पर क्वालिफिकेशन का एक पॉपअप आ जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस पर आप अगर फॉर्म फिलअप करना चाहते हैं यानी चेयरमैन के ऑप्शन पर, तो आपको बैचलर ऑफ साइंस डिग्री विद फिजिक्स और केमिस्ट्री, यानी कि आपको बीएससी कंप्लीट यहाँ पर होना चाहिए। हर एक पोस्ट का क्वालिफिकेशन दिखाई दे जाएगा। तो चलिए मैं यहाँ पर किसी एक पोस्ट के लिए आपको फिल कर दिखाता हूँ। जैसे कि मैं फायरमैन के लिए अगर अप्लाई करना चाहूँ तो फायरमैन के नीचे आपको अप्लाई नाउ का ऑप्शन दिखाई देगा, आपको इस पर क्लिक कर लेना। इस पर क्लिक करने के साथ ही तो चलिए मैं यहाँ से टर्म एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करूंगा, देन सेव के ऑप्शन पर क्लिक करूंगा, उसके बाद ओके के ऑप्शन पर क्लिक करूंगा। ओके के ऑप्शन पर क्लिक करते ही अब आपके सामने में कुछ इस तरह का पेज आ जाएगा। यहाँ पर आप सबसे फर्स्ट पर ही देख सकते हैं कि आप किस पोस्ट के लिए फॉर्म फिल कर रहे हैं, तो वो फायरमैन है। उसके बाद नॉर्मल एज लिमिट जो है वो 27 साल है इस फॉर्म को फिल करने के लिए। उसके बाद आपको यहाँ पर आपके रजिस्ट्रेशन से ही ये आपका ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर फेच कर लेगा। उसके बाद आपके पास अगर कोई अल्टरनेटिव मोबाइल नंबर हो तो उसे आप यहाँ पर इंटर करेंगे, देन आपके पास अगर आधार कार्ड है तो यस करेंगे और अगर नहीं है तो नो करेंगे। तो चलिए मैं यहाँ पर यस के ऑप्शन पर क्लिक करूँगा, देन आपको यहाँ पर आधार कार्ड का नंबर इंटर करना होगा और उसी नंबर को यहाँ पर दोबारा इंटर करना होगा कन्फर्म करने के लिए। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक ऑप्शन आपके सामने में यहाँ पर दिखाई देगा कि आप अगर अपने नाम के आगे श्री, श्रीमती या कुमारी लगाते हैं तो आप इस तरह की चीज़ों को यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं। श्री को सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद आपको यहाँ पर आपका फर्स्ट नेम इंटर करना होगा, देन उस फर्स्ट नेम को आपको यहाँ पर कन्फर्म करना होगा, और अगर आपका कोई मिडिल नेम है तो आपको यहाँ पर इंटर करना है, देन कन्फर्म करना है। उसके बाद आपका कोई लास्ट नेम है तो आप यहाँ पर लास्ट नेम को देके कन्फर्म करेंगे। यहाँ पर ये जो मिडिल नेम है और लास्ट नेम है ये मैंडेटरी नहीं है, आप इसे छोड़ भी सकते हैं, और ये जो फर्स्ट नेम है आपको इसको इंटर करना होगा, यानी कि आप यहाँ पर अपना पूरा नेम एक साथ भी फिल कर सकते हैं। उसके बाद आपको स्क्रॉल करना है, देन यहाँ पर आपको जेंडर सेलेक्ट करना है, मेल फीमेल आप जिस भी कैटेगरी से आते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पर एक ऑप्शन दिया जाता है कि आप अगर अपना नाम को चेंज किए हैं तो आप यहाँ पर यस करेंगे या फिर नो करेंगे। तो चलिए मैं नो के ऑप्शन पर क्लिक करूँगा। उसके बाद आपको मैरिटल स्टेटस का ऑप्शन दिया जाता है, अगर आप मैरिड है तो मैरिड को सेलेक्ट करेंगे, अनमैरिड है तो अनमैरिड, डिवोर्स है, तो इस तरह की चीज़ें आप यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद आपको यहाँ पर फादर्स नेम को इंटर करना है, देन मदर्स नेम को इंटर करना है। उसके बाद फादर्स नेम को आपको अगेन यहाँ पर कन्फर्म करना है,
उसके बाद मदर्स नेम को आपको दोबारा फिल कर कंफर्म करना है। देन आपको यहाँ पर कैटेगरी का ऑप्शन दिया जाता है, आप जिस भी कैटेगरी से है उस कैटेगरी को यहाँ फिल करेंगे। जैसे जर्नल से है तो यहाँ पर जर्नल सेलेक्ट करेंगे, और अगर आप यहाँ पर EWS या फिर SC ST या फिर किसी भी अदर कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको उस कैटेगरी का सर्टिफिकेट अपलोड करना होगा। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने जैसे ही OBC को सेलेक्ट किया है तो यहाँ पर कास्ट सर्टिफिकेट को अपलोड करना है, देन OBC डिक्लेरेशन को अपलोड करना है। ये OBC डिक्लेरेशन मैं आपको बता देता हूँ अभी कहाँ से मिलेगी, और कास्ट सर्टिफिकेट तो ये आपने कैटेगरी सर्टिफिकेट बनवाई होगी तो उसको आपको यहाँ पर एंटर करना है। OBC डिक्लेरेशन को यहाँ पर फिल करने के लिए आपको क्या करना है कि आपको होम स्क्रीन पर अगेन वापस चले जाना है, उसके बाद आपको स्क्रॉल करना है। देन यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपको यहाँ पर कई सारी ऑप्शन दिखाई देगी। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि फॉर्मेट फॉर EWS सर्टिफिकेट, और उसके बाद आप अगर यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर फॉर्मेट ऑफ SC ST कैटेगरी सर्टिफिकेट, इस तरह से आपको OBC की भी कहीं ना कहीं मिल जाएगी। उसके बाद आप अगर इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने में इस तरह का पेज ओपन होगा। अब आपको स्क्रॉल करना है, देन यहाँ पर आप देख सकते हैं आपके सामने में फॉर्म ऑफ कास्ट सर्टिफिकेट का ऑप्शन आएगा। अब आपको यहाँ पर इस फॉर्म को अपने से फिल करना है। अपने से फिल करने के बाद आपको यहाँ पर सिग्नेचर और डेट प्लेस सारा चीज़ इंटर करना है, देन उसको स्कैन कर आपको अपलोड करना होगा। तो यहाँ से आप किसी भी कास्ट डिक्लेरेशन के फॉर्म को डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए मैं अगेन इस पर आ जाता हूँ। उसके बाद आपको यहाँ पर उसी कैटेगरी को आपको दोबारा यहाँ पर कंफर्म करना होगा। देन आपको यहाँ पर एक ऑप्शन दिया जाता है कि आप अगर डिसेबल है यानी कि विकलांग है तो यस करेंगे, और अगर नहीं है तो नो के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। उसके बाद आप अगर कहीं एक्स सर्विस मैन है यानी कि आपने पहले कहीं पर सर्विस की हुई है तो आपको यस करना है, और अगर आपने कहीं पर सर्विस नहीं की है तो आपको नो करना है। उसके बाद आपको यहाँ पर एक ऑप्शन दिखाई देगा कि आप अगर किसी सर्विस में रहते हुए विकलांग हुए या फिर डिसेबल्ड हुए हैं तो आपको यहाँ पर यस करना है या फिर नो करना है। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपको अगेन एक ऑप्शन दिखाई देगा कि आप अगर किसी भी गवर्नमेंट जॉब में 3 साल से ज़्यादा जॉब किए हैं तो आपको उसके लिए एडिशनल बेनिफिट दी जाएगी। तो अगर आपने किसी भी गवर्नमेंट सर्विस में 3 साल से ज़्यादा काम किया हो तो आपको यहाँ पर यस करना या नहीं तो नो कर देना। उसके बाद आपको यहाँ पर एक ऑप्शन दिखाई देगा आप अगर स्पोर्ट्स खेलते हैं तो यस करेंगे या फिर नो करेंगे। आप अगर यहाँ पर यस करेंगे तो आपको यहाँ पर स्पोर्ट्स नेम, स्पोर्ट्स लेवल किस लेवल पर आपने खेली है, उसके बाद उसके सर्टिफिकेट को आपको इंटर करना होगा। तो चलिए मैं फिलहाल यहाँ पर नो करता हूँ। अब आपको यहाँ पर आपका डेट ऑफ बर्थ इंटर करना होगा, उसके बाद डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ आपको यहाँ पर अपलोड करना होगा। अब आपको यहाँ पर अपने फोटोग्राफ्स को अपलोड करना होगा, देन आपके सिग्नेचर को अपलोड करना होगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपका जो फोटोग्राफ का साइज होगा वो मिनिमम 20 KB का होना चाहिए और मैक्सिमम 50 KB के अंदर में होना चाहिए। उसी तरह से आपका जो सिग्नेचर है वो मिनिमम 10 KB के अंदर में होना चाहिए और मैक्सिमम 20 KB के अंदर में होना चाहिए। तो आपको यहाँ पर अपने फोटोग्राफ्स और सिग्नेचर को अपलोड कर सेव करना है। देन यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पर्सनल डिटेल अपडेट सक्सेसफुली का एक पॉपअप आ गया है। अब आपको यहाँ पर एडिशनल इन्फॉर्मेशन फिल करना होगा, जैसे कि आपको अपना नेशनलिटी फिल करना होगा, सिटीजन ऑफ इंडिया आप यहाँ पर दे सकते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पर रिलीजन सेलेक्ट करना होगा। आगे आपको यहाँ पर 2 आइडेंटिफिकेशन मार्क इंटर करना होगा, फर्स्ट में और सेकेंड में। आगे अब आपको यहाँ पर अपने पोस्टिंग के लिए जगह चूज करना होगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आप कहाँ पर पोस्टिंग करना चाहते हैं, उस तरह के अपने प्रेफरेंस के हिसाब से चूज करेंगे। उसके बाद सारे इन्फॉर्मेशन को फिल कर लेना है, देन आपको यहाँ पर सेव के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। आगे सेव के ऑप्शन पर क्लिक करते ही आपके सामने में कुछ इस तरह का पेज आ जाएगा। अब आपको यहाँ पर लाइव अपना फोटो जो है वो कैप्चर करवाना होगा, उसके लिए आपको अपने कैमरे को परमिशन देना होगा। देन यहाँ पर अंडर स्टूड के ऑप्शन पर आपको टैप करना होगा। तो चलिए मैं यहाँ से लाइव फोटो क्लिक कर लेता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपको यहाँ पर 4 फोटो को अपना कैप्चर करना होगा। 4 फोटो कैप्चर करने के लिए आपको सबसे पहले फोटो 1 को टैप करना होगा, देन फोटो 2 को, फोटो 3 को और फोटो 4 को। यहाँ पर 4 फोटो कैप्चर करने के बाद आपको यहाँ पर सेव के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। तो चलिए मैं यहाँ से सेव के ऑप्शन पर क्लिक करूँगा। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अपलोडेड इमेज आर सेव्ड का ऑप्शन आ गया। अब आपको यहीं से नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक करना है। नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक करते ही यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपको अपना एड्रेस यहाँ पर फिल करना होगा। अब अगर आपका करस्पोंडेंस एड्रेस और यहाँ पर जो भी परमानेंट एड्रेस है वो दोनों अगर सेम होगा तो आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है, नहीं तो आपको अलग अलग दोनों एड्रेस को अपना फिल करना होगा। आगे एड्रेस फिल करने के साथ आपको यहाँ पर सेव के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है, देन आगे ऊपर पर ओके के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है।
तो अब आपको यहाँ पर एसेंशियल एजुकेशन को फिल करना होगा। यहाँ पर पूछा जा रहा है कि आप जिस पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं उस पोस्ट के लिए जो भी क्वालिफिकेशन है वो आपके पास है, तो आप यहाँ पर यस करेंगे। और यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है कि क्या आपके पास कोई एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन है। अगर आपके पास है जैसे कि मोटर व्हीकल का लाइसेंस आपके पास है तो आप यस करेंगे, अन्यथा आप यहाँ पर नो करेंगे। आपको इस पोस्ट के लिए 12th तो आपके पास होने चाहिए, उसके बाद आपको किसी भी एलिमेंट्री बेसिक से फायर फाइटिंग का कोर्स आपको होने चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट से, तो उसके अगर वो आपके पास है तो आपको यहाँ पर वो भी सर्टिफिकेट देना होगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने मैट्रिक और 12th का अपना जो सर्टिफिकेट है वो यहाँ पर इंटर कर दिया। अब आपको यहाँ पर अगेन ऐड के ऑप्शन पर जाना है, उसके बाद यहाँ पर आपके पास सबसे नीचे में फायर फाइटिंग कोर्स का एक ऑप्शन है, आपको यहाँ पर जाना है। देन आपको यहाँ पर अपने फायर फाइटिंग कोर्स का सारा डिटेल इंटर करना है, देन ऐड के ऑप्शन पर क्लिक करना है, उसके बाद आपको सेव एंड प्रोसीड के ऑप्शन पर क्लिक करना है। उसके पहले आप ध्यान देंगे कि आपको यहाँ पर इसके ऊपर सेव के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। उसके बाद अगेन आप यहाँ पर 10th 12th और आपका जो ये फायर फाइटिंग का कोर्स है इसके सारे इन्फॉर्मेशन को फिल करने के बाद आपको यहाँ पर सेव एंड प्रोसीड के ऑप्शन पर क्लिक करना है। आगे एसेंशियल एजुकेशन को फिल करने के बाद सेव एंड नेक्स्ट करने के बाद आप यहाँ पर एसेंशियल एक्सपीरियंस के ऊपर आ जाएंगे। तो यहाँ पर आपके पास अगर कोई भी एडिशनल एक्सपीरियंस है तो आप उसे यहाँ पर ऐड करेंगे, अन्यथा आप यहाँ पर इसे स्किप कर देंगे। स्किप करने के बाद आपको यहाँ पर आपका एग्ज़ाम सेंटर चूज़ करने को बोला जाएगा, तो यहाँ पर आप अपने अकॉर्डिंग अपने एग्ज़ाम को सेंटर को प्रेफरेंस देंगे किसी भी 3 सेंटर को। उसके बाद आपको सेव एंड परसुइट के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है, देन आपको यहाँ पर ओके कर देना है। ओके करने के बाद यहाँ पर आपके सामने में आपके फॉर्म का जो प्रीव्यू है वो ओपन हो जाएगा। अब यहां पर आप सारे चीजों को एक बार चेक कर लेंगे कि आपने जो भी इंफॉर्मेशन दी है वो सारी इंफॉर्मेशन सही है या फिर नहीं है। उसके बाद आपको यहां पर सबमिट एप्लीकेशन के ऑप्शन पर क्लिक कर देना, उसके बाद आपको यहां पर ओके कर देना। ओके करने के बाद यहां पर आपका जो ये फॉर्म का चार्ज है यानी कि इस फॉर्म को फिल करने का जो चार्ज है उसे पेमेंट करना होगा। तो यहां पर आप पे नाउ के ऑप्शन पर क्लिक कर फॉर्म को फिल करने का जो भी आपका चार्ज है उसे आप पे करेंगे, उसके बाद ये फॉर्म आपका जो है वो सबमिट हो जाएगी। तो इस तरह से आप इंडियन नेवी के फॉर्म को फिल कर सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो एंड तक देखने के बाद फॉर्म फिल करने में कोई दिक्कत आ रही है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स पर मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपके कमेंट का रिप्लाई जरूर से ही करूंगा। और अगर आप चाहते हैं कि आपके इस फॉर्म को मैं फिल करूं तो आपको नीचे टेलीग्राम पर मुझे मैसेज करना होगा और आपको मिनिमम अमाउंट 99 रुपीज़ की लगेगी और आपका ये जो फॉर्म है ये मैं खुद आपका फिल कर दूंगा और आपका जो भी डाटा होगा यानी कि आपका जो भी पर्सनल इन्फॉर्मेशन होगा उसको किसी के साथ शेयर नहीं किया जाएगा।